जब यहाँ आते हैं तो आपका क्या मन करता है? पेड़े खाने के लिए। पेड़े खाने के लिए ही आती हूँ। अच्छा, इनका पेड़ा मतलब हम लोग 250 रुपए किलो से ही खा रहे हैं। 250 रुपए किलो जब था, अब इनका 400 रुपए हो गया है। और कुल्हड़ में चाय दी जाती है, कुल्हड़ में कहते हैं कि चाय पीने का मजा अलग ही है। और चाय के साथ चुनावी चर्चे, लोकसभा चुनाव के बहुत सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। जा रहा था तो इनकी चाय और पेड़ा बहुत मशहूर है, इसलिए हमने सोचा कि चाय पीते चले इनके यहाँ। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ की मशहूर है? कोई लोग बताए, आपने वीडियो देखी? मैंने वीडियो भी देखी और मैं यहाँ रह चुका हूँ तो इसलिए मशहूर का जानता हूँ। बहुत अच्छा। और यहाँ पर जो क्वालिटी और क्वांटिटी सभी चीज का ध्यान रखा जाता है। आप देखेंगे पेड़े के लगातार जो है तीन बार बनता रहता है, एक बार बनाते हैं जी, ताजा ताजा माल बनता रहता है और बहुत ही नरम है, जैसा कि आप लोगों को कैमरे में दिखाई दे रहा है। ये देखिए बहुत आसानी से मुड़ जा रहा है, एकदम ताजा है। टेस्ट की अगर बात की जाए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है ये। तो हम इस वक्त मौजूद है अयोध्या में और अयोध्या के बीकापुर में है। बीकापुर मार्केट में इस समय हम लोग खड़े हैं और बीकापुर की मशहूर दुकान है कालीचरण का पेड़े की दुकान, जो बहुत पुरानी दुकान है यहाँ पर। और अयोध्या के फैजाबाद के लोग बहुत बखूबी इस नाम से चर्चित हैं और पूरे अयोध्या में नहीं, अयोध्या के आसपास के बहुत से जिलों में कालीचरण का नाम बहुत फेमस है। यहाँ प्रयागराज सुल्तानपुर से आने वाले जो दुकान पर रुकते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कालीचरण की ये दुकान है अयोध्या फैजाबाद प्रयागराज सुल्तानपुर रोड पर है। चलिए हम अंदर चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और साथ में यहाँ की हम चाय भी पीने वाले हैं। और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों का क्या ख्याल है इस दुकान के बारे में, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। दुकान पर आपका, इनकी दुकान पर दिन में दो तीन बार, दिन में दो तीन बार चाय पीने। अच्छा, चाय में ऐसी क्या खासियत है कि दो तीन बार आप यहाँ आ जाते हैं? मेरी ऑफिस है ना दरीजागढ़। अच्छा, बगल में ऑफिस है। इनकी चाय यहाँ बीकापुर में सबसे अच्छी बनती है, पेड़ा भी इनका मशहूर है। और हम लोग यहाँ बहुत दिन से बैठते उठते हैं, पहले इनकी दुकान वहाँ थी तहसील गेट के सामने जी, तो तब से उठते बैठते हैं, इनके पिताजी थे कालीचरण तब से जी जी। और लोग तमाम आते जाते हैं, जो भी इलाहाबाद फैजाबाद रोड पर चलते हैं, पेड़ा वेड़ा खरीदना हुआ आते जाते हैं जी जी। तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छा क्या लगता है दुकान पे इनके? हाँ, इनकी दुकान पे इनके यहाँ सब अच्छा, सभी अच्छा है। अच्छी दुकान है तो अच्छा सामान रहेगा। अच्छा अच्छा दाम भी है इनका, दाम भी अच्छा है। दाम अच्छा है कि ज्यादा है? 10 रुपए चाय है, 400 रुपए किलोग्राम पेड़ा है। अरे ठीक है, महंगाई के अनुसार ठीक है, सब महंगा हो गया है। तो चलिए यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं। तो ये बताइए यहाँ आपको क्या पसंद है? जैसे कि भैया तो कह रहे हैं चाय बहुत पसंद है यहाँ, चाय पेड़ा यहाँ का हर चीज पसंद है। यहाँ का हर चीज आपको पसंद है? मिठाइयों की अगर बात की जाए पेड़ा आप कह रहे हैं नंबर एक पे है, और उसके अलावा सारी चीज, सारी मिठाइयां नंबर एक पे। सारी इनके कितनी फेमस ये दुकान है। और यहाँ पर बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और हम यही खजुराहट से, खजुराहट से बीकापुर आना जाना कैसे आपका रहता है? लगा रहता है, लगातार पर डे या बीच? तो जब यहाँ आते हैं तो आपका क्या मन करता है? पेड़े खाने के लिए। अच्छा, चाय यहाँ की अच्छी है? चाय भी अच्छी है। तो पेड़ा जैसे कि बहुत फेमस भी है और आसपास के जिले के लोग भी आते हैं। और पेड़े के अलावा कोई मिठाई आपको जो यहाँ पसंद आती है? सभी अच्छी, हम पेड़ा खाने आते हैं लेकिन पेड़ा बहुत फेमस है, मतलब कि पेड़ा आपको ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ का। चलिए एक लोग और हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश। आपको क्या पसंद है? मैं भी पेड़े के लिए ही आती हूँ। अच्छा, इनका पेड़ा मतलब हम लोग 250 रुपए किलो से ही खा रहे हैं। 250 रुपए किलो जब था? हाँ, अब तो इनका 400 रुपए हो गया है। लेकिन टेस्ट वही है, चीजें वही है, तो इसीलिए हम लोग रहते तो हम लोग लखनऊ में है, लेकिन जब भी यहाँ खजुराहट आना होता है तो हम लोग जरूर। आप लोग लखनऊ से भी जब भी आते हैं, आप इस तरफ आते हैं तो जरूर आते हैं? वहीं से आ ही रहे हैं हम लोग, खजुराहट से गाँव है मेरा, तो खजुराहट से यहाँ पे आते हैं सिर्फ पेड़ा लेने के लिए आते हैं। और 400 रुपए कोई ज्यादा भी नहीं है? हाँ, कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस हिसाब से महंगाई भी है प्लस क्वालिटी है, मेन चीज है क्वालिटी है जी। और कोई मिठाई आप यहाँ टेस्ट करते हैं? नहीं, बस मैं ज्यादातर इसी के लिए आती हूँ, पेड़े के लिए ज्यादा। चाय कभी टेस्ट किया हमेशा? चाय कैसे लगी? चाय बहुत टेस्टी है। तो चाय हम भी टेस्ट करेंगे अभी। और यहाँ पर आपको चाय ज्यादा मस्त लगती है या आपको पेड़े ज्यादा? नहीं नहीं, दोनों पसंद है। यहाँ का रखाव, साफ सफाई जी, लोगों का व्यवहार साफ भी काफी ज्यादा है यहाँ पर, तो साफ सफाई भी काफी अच्छी दिख रही है। तो बीकापुर में जो पेड़े की ये दुकान है, जो मशहूर दुकान है कालीचरण का पेड़ा, ये ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में भी एक तरीके से मशहूर कहा जा सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखते होंगे, कई बार क्या होता है, बड़े नेता लोगों का काफिला, मंत्री लोगों का काफिला भी यहाँ से जाता है, तो भी यहाँ की भीड़ देख के, चकाचौंध देख के एक बार रुक जाता है। चाचा दो चाय निकाल दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं चाय बन के तैयार हो रही, अभी बन गई है कि नहीं? क्यों
राजा बन गई है। अभी टाइम लगेगा, मिल गई। हाँ तो फोन कहाँ लगाए अभी? अरे कहीं बाहर। चाचा जी की बात हमेशा मंत्रियों से भी होती रहती है। मुख्यमंत्री रहे थे अखिलेश यादव जी, उस समय से उनकी बात डायरेक्ट अखिलेश जी से होती थी। तो अभी चाय बन के तैयार है, चाय हमें अब टेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों इनकी चाय हमने लिया, इसके बाद हम पेड़ा भी टेस्ट करने वाले हैं और यहाँ की बहुत सारी मिठाइयां हम टेस्ट करके देखेंगे वाकई में कैसा टेस्ट है, हम भी इसका अनुभव लेना चाहेंगे। तो चाय हमारे हाथ में है और कुल्लड़ में चाय दी जाती है। कुल्लड़ में कहते हैं कि चाय पीने का मजा अलग ही है। और चाय के साथ चुनावी चर्चे या लोकसभा चुनाव की बहुत सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा अयोध्या में क्या क्या प्रसिद्ध है, क्या क्या कहाँ पर मिठाइयाँ आपको अच्छी मिलती है, क्या पर खाने की चीज़ें कहाँ अच्छी मिलती है, वैसी बहुत सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए चाय को हम टेस्ट करते हैं। तो चाय की बात की जाए, जैसे कुल्लड़ में चाय का टेस्ट काफी अच्छा आ जाता है और काफी अच्छा टेस्ट है, काफी अच्छा टेस्ट है, इसी वजह से यहाँ पर लोग आते हैं और चाय जरूर पीते हैं। तो यहाँ का पेड़ा भी हमने आपको बताया था काफी अच्छा है। चलिए अब चाय पीने के बाद में आगे की वीडियो को कंटिन्यू। तो दोस्तों जैसा कि काली चरण के पेड़े पर यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर रहे हैं और सारे लोगों से बात करने के बाद, सभी लोगों से बात करने के बाद क्या अनुभव आप देख सकते हैं, क्या बात है इस काली चरण के पेड़े को लेकर और क्या माहौल है आप देख सकते हैं। भैया यहाँ पर आप मौजूद हैं, भैया आपका नाम जानना चाहेंगे। जयप्रकाश यादव। तो जयप्रकाश यादव जी आप कहाँ से हैं? मैं अयोध्या से। अयोध्या से? अयोध्या में आप कहाँ से हैं? मैं श्रीराम जन्मभूमि। श्रीराम जन्मभूमि वहाँ से है। तो बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका, प्रभु श्री राम की नगरी से और प्रभु श्री राम जन्मभूमि के नजदीक से है। तो यहाँ पर आपका आना कैसे हुआ? यहाँ वहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर तो हो ही जाता होगा। मैं सुल्तानपुर जा रहा था तो इनकी चाय और पेड़ा बहुत मशहूर है, इसलिए हमने सोचा कि चाय पीते चले इनके यहाँ। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ की मशहूर है? कोई लोग बताए, आपने वीडियो देखी? मैंने वीडियो भी देखी और मैं यहाँ क्या रह चुका हूँ तो इसलिए मशहूर का जानता हूँ, बहुत अच्छा बना। तो चाय भी काफी अच्छी, हमने भी टेस्ट करके देखा, काफी अच्छी चाय है यहाँ की। तो आप जब भी आते जाते हैं तो? हाँ इनके यहाँ जरूर रुकते हैं। चाय और पेड़ा हम नाम जानना चाहेंगे आपका। मालती यादव। तो ये बताइए आपको क्या पसंद है? भैया को तो चाय और पेड़ा दोनों चीज पसंद है यहाँ। हमको सब पसंद है, मीठा जो भी है सब पसंद है, सारी मिठाई पसंद है। जी जी। देख सकते हैं यहाँ की सारी मिठाइयाँ इनको पसंद है। अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ के पेड़े की बात की जाए, क्या अयोध्या में आपको लगता है कि इनसे बढ़िया कोई पेड़ा बनाता है? नहीं ऐसी बात नहीं, यहाँ का पेड़ा अच्छा है, हमारे अयोध्या का पेड़ा भी अच्छा है। वहाँ खुरचन वाला पेड़ा मिलता है जो हमारे राम लला को चढ़ता है। अच्छा, खुरचन वाला पेड़ा जो काफी मशहूर है और खुरचन वाला पेड़ा जो कि आप देख सकते हैं कि अयोध्या में कई जगह पर मिलता भी है। और जैसे कि आप बताना चाहेंगे खुरचन का पेड़ा कहाँ पर, कहाँ का आपको अच्छा लगता है? यहाँ का भी अच्छा लगता है और हमारे अयोध्या का भी अच्छा लगता है। वहाँ का तो अक्सर हमको भोग बगल में है, बगल में है, भगवान को जो प्रसाद चढ़ता है। हमारे हस्बैंड वहीं पर ड्यूटी करते हैं अंतर गर्भगृह में, तो जो भी भोग लगता है हम लोग को जरूर लगता है प्रसाद। बहुत अच्छी बात आपने बताई और सुन के भी अच्छा लगा। तो आप देख रहे थे आपकी अयोध्या के चैनल अयोध्या स्टोरी। अभी हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ कारीगर है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनसे भी बात की जाएगी और जो हमसे बात करना चाहते हैं। और अब हम चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है और कई काफ़ी मात्रा में यहाँ पर ये देखिए माल तैयार हो रहा है और मशीनें लगी हुई है। पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है और जो कारीगर यहाँ, इनका हाथ दिखाने वाला यही हाथ है जो पेड़ा बना रहा है यहाँ पर। और बहुत ही अच्छा टेस्टी पेड़ा यहाँ बनाया जाता है, बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट होता है। इसके साथ साथ देखिए आप सफाई का ध्यान रखा जाता है और यहाँ पर जो क्वालिटी और क्वान्टिटी सभी चीज का ध्यान रखा जाता है। आप देखेंगे पेड़े के लगातार बनते चले जा रहे। अब हम बात करेंगे कितना पेड़ा बनाना पड़ता है आपको? आप टीवी वाले हैं, आपको धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे पेड़ा जो है दिन भर बनता रहता है। दिन भर बनाते हैं आप? जी, ताजा ताजा माल बनता रहता है और बिकता रहता है। ताजा माल बनाते हैं, ताजा माल ही बेचते हैं, ताजा ही बेचा जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि ताजा माल आप लोगों को यहाँ मिल जाता है। जी जी जी। तो अभी आप क्या तैयार कर रहे हैं? पेड़ तैयार कर रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं? पेड़ा भी बना रहे हैं, छेना भी बना है, हमारे यहाँ रसमलाई भी बहुत मशहूर है। अच्छा, रसमलाई भी आपके यहाँ की बहुत मशहूर है? जी जी जी। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को जिनको ये मालूम है काली चरण के यहाँ का पेड़ा मशहूर है, एक बात और आपको बता देते हैं, यहाँ की रसमलाई आप खा के देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त रसमलाई है। और यहाँ का पेड़ा एक बार आप टेस्ट करके देखेंगे और बताएंगे आपको कैसा टेस्ट लगता है। तो यहाँ से हम एक पेड़ा लेंगे और उसका टेस्ट करके आपको बताएंगे। देखिए ये पेड़ हमारे हाथ में है और बहुत ही नरम है, जैसा कि आप लोगों को कैमरे में दिखाई दे रहा है। ये देखिए बहुत आसानी से मुड़ जा रहा है, एकदम ताजा है। टेस्ट की अगर बात की जाए, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। ये नहीं कि मीठा भर दिया गया,
मतलब जो टेस्ट होना चाहिए पेड़े के अंदर वो टेस्ट यहाँ पर मिलता है, इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मशहूर है इनकी दुकान और टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है। हाँ।